दोस्तों, अगर आप आपके फोन में जो पुराना म्यूजिक प्लेयर है, जो गूगल प्ले म्यूजिक है, जो भी म्यूजिक प्लेयर आपके फोन के साथ आता है, उससे बोर हो चुके हैं, तो गाइस इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूं आपको एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही स्टाइलिश और बहुत ही यूनिक म्यूजिक प्लेयर, जिसको इंस्टॉल करने के बाद आपको उसमें नए बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं और जो कि बहुत स्टाइलिश है और बहुत यूनिक है। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आपने शुरू को सब्सक्राइब नहीं किया तो शुरू को सब्सक्राइब कीजिए और चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं जिस म्यूजिक प्लेयर की बात कर रहा हूँ उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको जाना होगा प्ले स्टोर पर और यहाँ पर सर्च करना होगा रेट्रो म्यूजिक प्लेयर। आप जब भी इसे सर्च करेंगे तो ये वाला म्यूजिक प्लेयर आपको इंस्टॉल करना होगा। मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ, इंस्टॉलिंग, और इसे आप सिंपली ओपन कर लीजिए। आपको यहाँ पर इसे एप्लीकेशंस को परमिशन देनी होगी और आपको कुछ इस तरह का वाइट सा एक इंटरफेस मिलता है जो कि बहुत ही दिखने में अच्छा लगता है। उसके बाद आपको यहाँ पर अगर आप होम पे जाते हैं तो आपको हिस्ट्री में आपने जो भी सॉन्ग्स ऐड करें वो आपको मिलते हैं, लास्ट एडिट में जो भी यहाँ पर ऐड हुए वो होते हैं, माय टॉप ट्रैक्स में जो भी आपने प्ले किए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर आती है, शफल में वो शफल करके प्ले कर देता है सॉन्ग्स को, और स्लीप टाइमर में आप यहाँ पर स्लीप टाइमर सेट कर सकते हैं तो 30 मिनट बाद जो म्यूजिक प्लेयर है वो बंद हो जाएगा। रिसेंट आर्टिस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर अगर आप जाएँ तो आपको सारे सॉन्ग्स यहाँ मिलते हैं। उसके बाद यहाँ अगर आप जाएँ तो ये एल्बम्स आपको दिखते हैं और यहाँ अगर जाएँ तो आर्टिस्ट के हिसाब से आपको सॉन्ग्स मिलते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर आप आपकी खुद की प्लेलिस्ट बना सकते हैं और मैं कोई सा सॉन्ग प्ले कर देता हूँ तो देखेंगे गाइस आपको इस तरह का देखेंगे कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस मिलता है जो कि बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अमेजिंग है। और उसके बाद आपको यहाँ से कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें आप गो टू एल्बम जा सकते हैं, गो टू आर्टिस्ट कर सकते हैं, ऐड टू प्लेलिस्ट कर सकते हैं, इसको प्लेइंग को क्यू में डाल सकते हैं, इस सॉन्ग को शेयर कर सकते हैं, इसको यहाँ से सेट एज रिंगटोन कर सकते हैं, क्यू को क्लियर कर सकते हैं, इसकी डिटेल्स देख सकते हैं, स्लिप टाइमर यहाँ से सेट कर सकते हैं और इस सॉन्ग को डिलीट कर सकते हैं, और आप इक्वलाइजर में जाकर यहाँ से इक्वलाइजर को ऑन करके यहाँ से आप ये जो ऑप्शंस है उसको यूज़ करके इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। तो गाइज आप देखेंगे बहुत ही अमेजिंग एप्लीकेशन है और आपको बिल्कुल नया लुक मिलता है इससे। और जैसा कि आपका जो गूगल का जो प्ले म्यूज़िक है वो बहुत ही बोरिंग है और बहुत पुराना हो चुका है, तो इससे कुछ आपको नया मिलता है। तो दोस्तों, आप इसे इंस्टॉल करिए और मुझे कमेंट में बताइए कि ये आपको कैसा लगता है। और गाइस, इस वीडियो के लिए इतनी, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।